अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का जो व्लॉग मैं बना रही हूँ ये थोड़ा सा खिटपिटा सा है, क्योंकि इधर मेरे जो भाई साहब हैं, छोटे भाई साहब हैं, जो मेरे शाहदेव नाम है जिनका, वो आज जो है व्लॉगिंग कर रहे थे, क्योंकि वो बना रहे थे पास्ता बनाने की। उन्होंने कोशिश पूरी करी थी, अब देखे पास्ता कैसा बना है। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से मैक्रोनी उबलवा ली थी, और फिर उसके बाद उन्होंने डाल दिया था प्याज, गरम तेल किया, गरम तेल के अंदर प्याज डाला। प्याज डालने के बाद उसने जो है इसके अंदर डाला टमाटर। टमाटर डालने के बाद उन्होंने जो है वो हल्का सा भूना। भूनने के बाद उन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया नमक। मैं काफ़ी मना कर रही थी, ज़्यादा छोड़ दो मैं बना देती हूँ, पर उन्होंने कहा नहीं आप ही, मैं ही बनाऊँगा, मैंने सीखा हुआ है। मैंने कहा चलो तुम बना लो। कभी कभी बच्चों को ना टाइम देना चाहिए कि हाँ भाई करो, उनको पता चलता है हाँ हम कर सकते हैं। तो उसको जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं आप के यहाँ आया हुआ हूँ, तो मैं ही शेफ़, मतलब शेफ़ बनने का उनको पता नहीं क्यों शौक है। तो बस बहुत मज़े का बना था, जितनी बात है उसने पास्ता बनाने की कोशिश की थी और बहुत मज़े का बना था। तो इसमें उन्होंने डाला था नमक। नमक डालने के बाद जो है उन्होंने इसमें डाल दी थी कुटी मिर्ची, और जो है वाइट पेपर डाला था। और ये देखें ये धुआंधार किस्म का जो है फुल लग रहा है, और मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा शायद तुम सारा जला रहे हो, तो कह रहा जला नहीं रहा हूँ, चिली सॉस सोया सॉस डाला है मैंने ये। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर चिली सॉस सोया सॉस डालने के बाद उन्होंने थोड़ा सा इसको पकाया, और पकाने के बाद जो है वो फिर जो नूडल क्या नाम है मैक्रोनी थी उबली हुई वो डालती थी, और फिर उन्होंने मेरे से बनवाई थी क्या कहते हैं मायोनीज़ बनवाई थी। इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दी मायोनीज़। मायोनीज़ डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको हिलाया, और हल्का सा उन्होंने इसमें लगा दिया था पानी, ताकि जो थिकनेस है वो थोड़ा सा लिक्विड जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। मतलब इन्होंने ना मैक्रोनी बहुत ज़्यादा गला दी थी, शादिब ने मैक्रोनी बहुत गला दी थी। पास्ता बहुत मज़े का बना था। शीट्स हमें पास्ता की मिल जाती तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता, मगर नहीं मिली थी। अब इसने जो है इसके अंदर ऐड किया था ओरिगानो, और बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का बना था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मेरे छोटे भाई ने बनाया है, शादी में ऐसा लग रहा था मैं किसी शेफ़ के हाथ का खाना खा रही हूँ। बहुत ही मज़े का बना था। अगर इसके अंदर ये जो है मुझे किसी चीज़ की भी इसके अंदर कमी नहीं लगी थी, बस मुझे इस चीज़ का वो हो रहा था कि थोड़ा इन्होंने तोड़ दिया। फिर मैं इनके पास आ गई थी कमरे में, मैंने कहा तुमने इतनी अच्छी गार्निशिंग वगैरह की है, ज़रा खा के बताओ मुझे कैसा बना है। तो बोल रहे थे बहुत मज़े का बनना है।